30% तो वध कैंडीडेट इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये नहीं पता होंदा कि एग्जाम विच एमसीक्यू क्वेश्चन नू करन दा तरीका, उस पेपर नू करन दा तरीका, बेस्ट तरीका की है। वो जिहड़ियां गलतियां करते हैं, कॉमन गलतियां हैं, इस वीडियो चो कॉमन गलतियां दसांगा, उस गलतियां दा, उन्हां गलतियां दा इलाज की है। पेपर अटैम्प्ट करन नू करन दियां दो अप्रोचेस, दो मैथड ने, उन्हां चो तुहानू एक चूज़ करना ही पैणा है। तीजा मैथड जिहड़ा तुसीं यूज़ करते हो जां लार्जली 30% तो ज़्यादा वो गलतियां करते हैं, वो जदों रिमूव कर देवांगे सक्सैस रेट वध जाएगा। PSTET की प्रीख्या करन दा सब तो वधिया तरीका इस वीडियो च डिस्कस होएगा। दूसरा, MCQ करते समय तुहानू किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना चाहिए है। पेपर सेंटर विच तुसीं बैठ गए हो, एग्जाम सेंटर विच, ये गलतियां कदे ना करो। ये गल्लां इस वीडियो विच होणगियां। सब तो पहला बेशक इत्थे अजे गल कीती गई है कि गैस वर्क शुरू विच नहीं कदे भी लगाना। जे स्ट्रैटजीज दी ट्रिक्स दी तुसीं वीडियो देखियां है, शुरू विच यूज़ नहीं करनियां, एक नूं गल नूं याद रखना है। दूसरा ये है कि तुहाडा जिहड़ा अटैम्पटेशन स्टाइल जो तरीका है वह इन्फ्लुएंस होएगा किहड़े फैक्टर आए कि तुहाडी तैयारी किन्नी है, बहुत ज़्यादा है, एवरेज है, बहुत घट है, जां तुहाडा इनफॉर्मेशन प्रोसैसिंग एबिलिटी लैवल, पिछली अचीवमेंट, जल्दी चीज़ याद हो जाती है, वह लैवल किन्ना ज़्यादा है, घट है, एवरेज है। सो ये मुताबक वेरिएशन आएगी। तुसीं जिहड़ी तैयारी ज़्यादा वाले, घट वाले, उहदे मुताबक इस नूं थोड़ा फर्क पा सकते हैं, लेकिन ये अप्रोच जिहड़ियां हैं गलतियां ना करना, वो सारियां नूं अप्लाई करना पैना है। ये वो गलतियां ने जिहड़े सारे करते हैं, सारे नहीं लार्जली करते हैं, क्योंकि जिहड़े सक्सैस हासिल कर लेंदे ने उन्होंने गलतियां नैचुरली घट कीतियां हैं। एक तो है सब तो वध गलती करन वाले कि असी 150 क्वेश्चन करने हैं तो असी 150वें क्वेश्चन पर पहुँचते ही नहीं हाँ। मेरी ही एक स्टूडेंट मनदीप की गल करांगा, इन्नी मेहनत की लेकिन उन्होंने 9 मार्क्स तो वह रह गए, तो जो रिजल्ट आया पता उन्होंने दस्या कि 20 क्वेश्चन MCQ कर ही नहीं पाए, पहुँच ही नहीं पाए, मतलब रस्ते विच ही रह गए। दूसरे वो लोग गलती करते हैं, दूसरी गलती इतने लिखी नहीं है, जिहड़े सानू 150 मिनट मिले सी लेकिन 120 मिनट च 130 मिनट च ही करके पेपर छड़ दिंदे है। उन्होंने भी हदायत है कि जिहड़े हाईली डिफिकल्ट क्वेश्चन ने उन्होंने रीजनिंग अप्लाई करन दा ये टाइम लगाया जाए, वह टाइम वेस्ट ना करन। इन्हां लोगों को चाहिए है कि पहला टाइम सिर पहुँचन, वो किस तरह पहुँचना है, वो अप्रोच असी यही मेन पॉइंट होएगा कि वो अप्रोच किस तरह है। दो तरह के मैथड है दसदा हाँ मैं। अच्छा, ईजी तो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन जिहड़े ने, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हाँ, पैराग्राफ कई बार बहुत टाइम लेंदे है, मैथ्स वाले क्वेश्चन बहुत टाइम लेंदे है। इसका मतलब यह नहीं है कि CDP या लैंग्वेज के होर पार्ट डिफिकल्ट नहीं होणगे, हो सकते हैं कोई भी क्वेश्चन जिहड़ा तुहाडे लई सिर्फ ज़्यादा टाइम लेंदा है वह तुहाडा दुश्मन है। दुश्मन नूं बड़ी जल्दी माफ़ कर देना चाहिए है, छड़ देना चाहिए है। जदों तुसीं छड़दे नहीं हाँ, अपनी एनर्जी ते टाइम ज़्यादा खराब करते हो, ओही वक्त जेड़े अगे क्वेश्चन आसान पाए हुंदे हन उन्हां दा वक्त ले लैंदे हन। अच्छा, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट इस दी गल करांगे, है ना, क्योंकि एक मिनट मिलना है एक क्वेश्चन लई, 150 मिनट ने, 150 क्वेश्चन ने, सो तुसी किस तरह करते हो। लैक ऑफ सैल्फ कंट्रोल, इहदा संबंध पहले वाले नाल है कि कई बारी तुसी ईगो ते लै लैंदे हो, क्वेश्चन मैनू पता सी, मैं पढ़िया सी, मैं जानदा सी, यार मेरे को हो नहीं रहा, मैं छड़ दिओ उत्थे छड़ दिओ, ओके। फटीक फैक्टर है, स्ट्रेस लैवल है, ये मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज तुहानू वक्खरियां दित्तियां होईयां दसियां होईयां। तो आओ देखते हैं कि इन्हां गलतियां नूं असी अच्छा किदां बनाउणा है। सब तो पहला है रियल, मेरी रिसर्च जिहड़ी मैं कीती सी उसदे ही उहदा ही ग्राफ बनाया है। इहदे विच है कि ये जो डंडे दिखाई दे रहे ने, बार दिखदे ने तुहाडे को, ये वाले सैकेंड्स ने, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है। सो ये जिहड़ी जिन्नी ज़्यादा लेंथ है, पहले क्वेश्चन ने इन्ना ज़्यादा टाइम लिया, इन्ने सैकेंड लए, दूसरे ने इन्ना टाइम लिया, तीसरे ने इन्ना टाइम लिया, चौथे ने इन्ना लिया, पंजवें ने इन्ना ज़्यादा टाइम लिया। ये सानू पता है कि तुहानू नॉर्मली तुहाडे लई 60 सैकेंड बचते हैं, जे मैं इत्थे लाइन लगा देवां कि 60 सैकेंड वाले। हुण कुछ क्वेश्चन आ गए ने जिहड़े इस 60 सैकेंड तो घट लै रहे ने, ये बहुत ईजी क्वेश्चन हो गए, आराम नाल आंसर मिल जाता है। दूसरे के जिहड़ा 1 मिनट पूरा ही लै रहे ने, फॉर एग्जाम्पल ए वाले, तीसरे ये जिहड़े डंडे उपर गए हुए ने, ए वेरी डिफिकल्ट आ गए। हो सकता है इन्हां चों तुही कि जिहड़े कोचिंग भी असी लोग दे रहे हाँ, मेरे वर्गे, चलो मैं तो है ही कख नहीं हाँ,
कोई भी है शायद, मतलब कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि 150 दे 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कुछ क्वेश्चन ने थोड़ी टाइम एनर्जी ले लेनी है, लेकिन रिजल्ट नहीं देना, उन्होंने छड़ना हर हालत जरूरी है। दैट इज वाई थोड़ी एक टाइम लिमिट है, उस तो वध जे कोई क्वेश्चन टाइम लेंदा है तो उसनु उससे वक्त छड़ देना है। जे नहीं छड़ दे तां लास्ट ते जे मान लो लास्ट ते 30 क्वेश्चन पए सी, ओह 30 दे विचों 15 क्वेश्चन ईजी सी, तुसीं उत्थे तक पहुंचे नहीं, तुसीं ओह 15 क्वेश्चन का नुकसान करवा लिया क्योंकि पहले क्वेश्चन नू एनर्जी दे दित्ती। सो ये किदां करना है, ये करना है कि हर हालत विच, ये पहला नुकता सब तो इंपॉर्टेंट, हर हालत विच हर सारियां लई इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन नंबर पहला इतों शुरू होया है और ये 150वां क्वेश्चन है। सो मैं हर हालत विच टाइम तो पहला लास्ट क्वेश्चन ते पहुंचना है। उस पहुंचन दियां टेक्नीक, दो टेक्नीक है रखी हुई हैं। पहली है कि तुसी 3 राउंड लेने हैं, एक तो 150, एक तो 150, एक तो 150, 3 राउंड। ये तुहानू औखा लगता है लेकिन बाद च पता लगेगा कि सौखा है। दूसरा हो सकता है कि तुसी 2 राउंड लेने हैं, सिर्फ सिंगल राउंड नाल जिहड़ी अप्रोच है वह गलत है क्योंकि असी डिफिकल्ट ते एवरेज MCQ नू सॉल्व करन लई मैनेज नहीं कर पाते, रिजल्ट नहीं लै पाते। सो तुसी देखो कि मैं सुजैसट करांगा 3 राउंड वाली अप्रोच, उसनू देख लेने हाँ। असी ये जान गए हाँ कि 3 तरह के क्वेश्चन है जिहड़े बहुत ईजी सैकेंड विच है ना जिहड़े सॉल्व हो गए और तुसी 100% श्योर हो। सब तो पहला तुसी ये नुकता अप्लाई करके जिहड़े ईजी वाले है वह क्वेश्चन करने हैं राउंड। जे तुसी ये वाला लै रहे हो तुसी मान लो जिहड़े 30-30 सैकेंड 20-20 सैकेंड 40-40 सैकेंड क्वेश्चन हो रहे हैं, तुसी वो सैकेंड वो जल्दी जल्दी कर रहे हो, पढ़िया लगाता पढ़िया लगाता पढ़िया लगाता, दूसरा टाइम लै रहा छड़ता। लेकिन जिहड़ा टाइम लै रहा है तुसी तुहानू लगता है कि मैनू थोड़ी जी इनफॉर्मेशन चाहिए है या थोड़ी रीजनिंग चाहिए है, ये मैं सॉल्व कर सकता, तुहाडी रेंज विच है, तुसी उहदे अगे डी लिख लिया जां अपना कोई साइन पा लिया जां रीजनिंग आर लिख लिया, कोई भी साइन पा लिया, टिक लगा लिया, उसका मतलब ये रखना है कि मैं जो 150वें ते पहुँच गया, मन लो मैं अगे चल के दसदा हाँ, मन लो 150 मिनट है, तुसी 90 मिनट विच इत्थे पहुँच गए हैं, जिन्ने क्वेश्चन कलैक्ट करने से वो सारे हुण कलैक्ट कर ले आ। उस तो बाद दूसरा राउंड लै रहे हो कि डिफिकल्ट वाले जिहड़े मैं रीजनिंग ना सॉल्व कर सकता सी, जां जिन्हां दी इनफॉर्मेशन इत्थे तां नहीं मिली मैनू इत्थे मिल गई इहदे नाल सॉल्व हो जाएगी, जां मेरा अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड ने इनफॉर्मेशन दे दित्ती बाद विच सॉल्व कर लांगा जां रीजनिंग अपलाई कर दांगा। सो डी लिखिया है इत्थे, डी लिखिया है मान लो इत्थे, डी लिखिया है इत्थे, डी लिखिया है इत्थे, डी लिखिया है, तुसी मार्क दिते हुए हैं। हुण तुसी कुछ नहीं करोगे, तुहानू आइडेंटिफाई करन दी जरूरत नहीं पएगी, तुसी दूसरे राउंड विच पहले 90 मिनट लाए, फिर तुसी 30-40 मिनट लोगे लगभग, है ना, मतलब लास्ट दे तुहाडे को 5-10 मिनट 7 मिनट बचने चाहिए है, बाकी मिनट इत्थे तुसी लगा लो। तुसी हुण की है वो बाकी 30-40 मिनट इना चों कलैक्ट करने हैं, नैचुरली मार्क्स लेने हैं, डिफिकल्ट नू सॉल्व करन दी कोशिश करदे हां, कॉल करन दी कोशिश करदे करन दी कोशिश करदे हां। इस वक्त तुसी लॉजिकल गैस वालियां टेक्नीक्स जिहड़ियां वीडियो पाईआं मैं वो देख के जिहड़ी भी तुहानू लगदी है, हर हालत कुछ भी नहीं लगदा ते रैंडम गैस है वो तो लगाना ही है ना, तुसी इहनां नू सॉल्व कर लिया, जिन्ने सॉल्व होए ओके ठीक है जी, आ वाला ठीक होया, ये नहीं फिर होया, ये नहीं फिर होया, ये नहीं फिर होया, सारे फिर 150वें ते आ गए। ठीक, हुण तुहाडे को 5 मिनट बचे है, 3 मिनट बचे है, 4 मिनट बचे है, हुण तुसी की करना है, जिहड़े क्वेश्चन बचे है जां 10 मिनट बचा लो, तुसी उन्हां नूं किसी ना किसी लॉन्ग टेल है वो बी या सी चो सिलेक्ट करना है, जां ऑल ऑफ दी अबव कर लेना है, जां पहला स्ट्रैटेजी लगा लेनियां, कोई भी स्ट्रैटेजी जिहड़ियां अगे भी वीडियो आ रहा उन्हां चो अप्लाई करके तुसी बाकी दे 5 मिनट विच सारे ही फिल कर देने हैं। 150 क्वेश्चन तुहाडे हर हालत विच इस तरह पूरे होने चाहिए हैं। सो ये जिहड़ी टेक्नीक है इहदे विच तुसी देखो हुंदा की है, हुंदा ये है कि जिहड़े ईजी क्वेश्चन ने ये मिंट सैकेंड च हो जाते हैं, जिहड़े मिडल जां डिफिकल्ट क्वेश्चन ने रीजनिंग डिमांड करते हैं, जिहड़े वैरी डिफिकल्ट ने जिन्हां दी मैं गल कर रहा हाँ
ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਿੱਕ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਰਾਊਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕਰ ਲਏ ਲਾਸਟ 'ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾ ਲਓ ਜਿਹੜਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗੈਸ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਊਂਡ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 1 ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮਾਰਕ ਡੀ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ ਮੈਂ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ OMR ਸ਼ੀਟ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤੀਜਾ ਰੂਲ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮੁਤਾਬ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਯੂਅਰ ਵੀਕ ਏਰੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੈਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਕ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀਕ ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗੀ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਜੀਕਲ ਗੈਸ ਨਾਲ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ 195 ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੁਕਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਅੱਗੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ ਅੱਛਾ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਦੂਸਰਾ ਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੀਕਲਟ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਲ OMR ਸ਼ੀਟ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਹੈ ਵਾਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀਕ ਏਰੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈੱਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰੀਰੀਡ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਅਨਸਰਕਲ ਹੈ ਕੀਵਰਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਹੈ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਲਈ ਲੋਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਜੀਕਲ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਕੁਸ਼ਚਨ 30 ਕੁਸ਼ਚਨ 15 ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਸਾਰੀ OMR ਸ਼ੀਟ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਲਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ 2-3-4 ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਪ੍ਰੈਫਰ ਬੀ ਜਾਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ PS ਟੈਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਰੈਂਡਮ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਆਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਓਕੇ ਰੀਚ ਐਂਡ ਬਿਫੋਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਬਚਾਉਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੁਸ਼ਚਨ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ 1, 2, 3, 4, 5 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ CDP ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ SST ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਕਸ ਰਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਆਰਡਰ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਐਨਰਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਦੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਰਡਰ 'ਚ ਫਸਟ ਤੋਂ 150 'ਤੇ ਚੱਲੋ ਇਹ ਵੈਰੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਈਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਵਰਕ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਹੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਹੋਈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੈਰਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਤਾਂ 4-5 ਪੈਰਿਆਂ ਜਿੱਡਾ ਲੰਬਾ ਪੈਰਾ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ
मतलब डरा दिंदा है। सो उत्थे तुहाडा टाइम लगना ही लगना है, उहनूं छड के तुसी बाकी क्वेश्चन ते पहुँच जाओ। सो डिफिकल्ट लोंग जिहड़े है ये सैकेंड राउंड विच करने है। ओके जे तुहाडी अच्छा सैकेंड लैंग्एज है जिहड़ी तुहाडी सैकेंड लैंग्एज उह तुहाडे लई डिफिकल्ट हो सकदी है, उह तुसी स्किप पहली राउंड च कर दो तां बैटर है। इंग्लिश है जिन्हां नूं डिफिकल्ट लगदी वो कर दो तां बैटर है। अच्छा स्किप वेरी डिफिकल्ट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, मैथमेटिकल क्वेश्चन, ये एक तरह का रेपीटेशन है। नॉर्मली पैराग्राफ ते मैथ्स वाले पोर्शन जिहड़े आ तंग करदे आ। अच्छा मार्क ओएमआर शीट साइड बाय साइड, प्रेफर योर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, उस नूं कदे ना छड्डो, पूरा पहलां करके आओ, इसलिए 150वें ते पहुंचना है। अवॉइड योर वीकेस्ट एरिया, जिहड़ा तुहाडा वीकेस्ट एरिया है उत्ते टाइम ते एनर्जी ज़्यादा ना लगाओ, ये सुजैशन है। ठीक है, पंजाबी विच भी ये नोट कर सकते हो सारा तुसी। इस तो इलावा अलग वीडियो ने ऑल ऑफ द अबव नन ऑफ दीज फुट प्रिंटिंग और ए बी सी डी विचों पी एस टेट विच सिर्फ सब तो ज़्यादा राइट आंसर ते सब तो ज़्यादा रोंग आंसर केड़े हुंदे है ये हेल्प कर सकते हैं। जदों तुसी तीजे राउंड च जाना है उना उस राउंड विच तुसी जा लास्ट राउंड ते तुसी जो होना है उदों इना टेक्नीक्स ना हर हालत विच क्वेश्चन दा आंसर दे देना है। सच कहना हाँ 20-30% है, नहीं तो तुसी 20-30 मार्क्स जरूर लैके चलो कि इन्ने मार्क्स इना स्ट्रैटेजी ते इहदे नाल वध सकदे ने। कोई डिमांड होवे, कोई प्रॉब्लम होवे, कमेंट बॉक्स विच जरूर लिखो। टेट बेसिक कोर्स है उसनू देख सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज़।